उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में बुधवार को एक बैठक आहूत की गई। बैठक में एकत्रित हुए शिक्षक पदाधिकारियों ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन करने की बात कही। साथ ही शिक्षक पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन को लेकर पोस्टर विमोचन भी किया। आगामी 20 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में एक बैठक हॉलमन इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई। बैठक के दौरान एकत्रित हुए शिक्षक पदाधिकारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर आपस में चर्चा की और प्रमुख मांगों को सरकार द्वारा लागू करने के लिए एकमत होकर अपनी सहमति रखी। प्रमुख मांगों में से एक पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारी का हक बताते हुए उन्हें लागू करने की मांग भी उठाई है। इसी दौरान शिक्षकों ने आगामी 20 अक्टूबर को सरकार के समक्ष अपनी इन मांगों को ले जाने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन की बात कही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट के द्वारा आज एक संक्षिप्त बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में न केवल जनपद स्तर की बल्कि प्रदेश स्तर की समस्याओं को शामिल किया गया है। इन प्रदेश स्तर की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन बहाली की है। एनपीएस का जो पैसा है वो शिक्षकों के खाते में नहीं गया है, वो पैसा जाए इसके लिए भी विषय है। साथ ही साथ जो वित्तहीन शिक्षक हैं उन वित्तहीन शिक्षकों को समान कार्य समान मानदेय मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी कार्य के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था, आज तक उसे लागू नहीं किया गया है। हम लोगों ने बहुत लंबे समय से विनिवेशीकरण के मुद्दे को उठाते चले आ रहे हैं और विनिवेशीकरण के मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें केवल 2400 या 2500 शिक्षक हैं प्रदेश में, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भरोसा दिलाने के लिए प्रयास किया था हम लोगों को कि हम आपके पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सरकार ने वहाँ जाकर शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की और उसका परिणाम ये हुआ कि उन शिक्षकों की नौकरी आज भी खतरे में है। इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका 2019 से चिकित्सा जो सुविधा का लाभ मिलता था उसको उनसे अलग कर दिया गया है, और हम लोग जैसे पुराने शिक्षक हैं उनके लिए तो चिकित्सा सुविधा का लाभ है लेकिन उनके लिए मेडिकल बीमा योजना का लाभ नहीं है। हम लोगों की मांग ये भी है कि कर्मचारियों की तरह हम लोगों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार के खिलाफ 20 तारीख को हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशक कार्यालय के सामने। 20 अक्टूबर को एक धरना प्रदर्शन हम लोग शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर आयोजित कर रहे हैं। उसमें प्रतिवार्ता हेतु प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनसंपर्क किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि 1 अप्रैल 2005 से जो पेंशन योजना हमारे शिक्षक कर्मचारियों से हटा दी गई है उसको पूर्ण रूप से पहले की तरह लागू किया जाए, क्योंकि पेंशन जो है हमारे कर्मचारियों शिक्षकों का बुढ़ापे का सहारा है। जो नवीन अंशदायिनी पेंशन योजना है इसमें बाजार का जोखिम बहुत ज़्यादा है, सरकार इसको अद्यतन भी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन में हमारे कर्मचारी या शिक्षक के पास में एक विकल्प है कितने समय भी जीवित रह सकता है। मौके पर मौजूद रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के अनुसार धरना प्रदर्शन 20 अक्टूबर को शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इस धरने में प्रदेश भर से आए शिक्षक पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मौके पर शिक्षक पदाधिकारियों ने साफ कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार जब विपक्ष में थे तब बातें कुछ और थी, और लेकिन जब ये सरकार सत्ता में आई तो शिक्षकों से किए गए सभी वायदे ये सरकार भुला चुकी है, और इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए आगामी चुनावों में शिक्षक खड़े होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।